तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रिवर्स। मेरा नाम है रिद्धिमा ग्रोवर। सो आज हम एक ऐसे ब्रांड की वीडियो लेकर आए हैं जिसकी डिमांड बहुत टाइम से हो रही है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि ग्लेन के प्रोडक्ट्स की वीडियो बनाओ, तो हम लोग आज लेकर आए हैं ग्लेन का मिनी चॉपर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ग्लेन का मिनी चॉपर, इसका मॉडल नंबर है SA4043 टर्बो। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आपको इसके अंदर कुछ चॉप करके दिखाऊंगी कि कितने सेकंड्स में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रिवर्स के नाम से, एंड मेरा पर्सनल हैंडल है रिद्धिमा ग्रोवर ऑफिशियल के नाम से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो मॉडल नंबर है वो है SA4043 टर्बो ग्लेन मिनी। मिनी में आता है, ये मिनी का मतलब है कि ये बहुत कॉम्पैक्ट है, एंड ये टर्बो में आता है। टर्बो का मतलब ये होता है कि कोई भी जो हमारी मोटर होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो मोटर है वो 200 वॉट्स में है। तो 200 वॉट्स में जितना वो मोटर काम करेगी, प्लस इसके अंदर जब टर्बो आता है तो दैट मींस जो इसके आरपीएम होते हैं, जितना ज़्यादा आरपीएम होगा उतना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। तो इसका जो आरपीएम है वो ज़्यादा ये रोटेट करता है तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो कम टाइम में आपको ज़्यादा एफिशिएंटली काम करके दिखाएगा, उसके लिए इसको कहते हैं टर्बो। एंड दूसरी बात, मैं इसके अंदर जो इसकी स्पेशलिटी है वो मैं आपको बता दूं, तो ये जो है ट्विन ब्लेड्स में आता है, ट्विन ब्लेड्स विद 4 कटिंग एजेस। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सेल करते हैं तो भी मुझे नहीं लगता ये किसी भी ब्रांड में ट्विन ब्लेड में चॉपर आता है। अगर आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। मेरे हिसाब से दिस इज दी वन एंड ओनली ब्रांड जिसके अंदर ट्विन ब्लेड में चॉपर आता है। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो इसके अंदर एक तो ये अटैचमेंट आती है, और उसका एक ये ब्लेड है, और इसके अंदर ये चॉपर है, मेन जो चॉपर है, इसके साथ में ये एक यूजर मैनुअल आती है। तो यूजर मैनुअल हम कर देते हैं साइड। ये मेन चॉपर का यूनिट है, और एक ब्लेड इसके अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ट्विन ब्लेड का मतलब बताती हूँ। ट्विन ब्लेड का मतलब यही होता है कि ट्विन का मतलब दो, तो दो ब्लेड्स इसके अंदर आते हैं। कोई भी चॉपर अभी तक मैंने नहीं देखा है जिसके अंदर ट्विन ब्लेड्स आते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं फाइन चॉपिंग के लिए, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो और ये एक अटैचमेंट है जो जिसको विस्कर बोलते हैं, ये विस्किंग के लिए काम आता है। विस्किंग का मतलब होता है जैसे भी हम एग को बीट करते हैं, मतलब फेंटना, तो एग को बीट करते हैं, या फिर हम कर्ड बीट करते हैं उसको विस्किंग करते हैं, केक बनाने के लिए विस्क करना होता है, तो उसके लिए आप इस विस्किंग को यूज़ कर सकते हो। तो ये एक अटैचमेंट है। उसके अलावा इसके अंदर ये मेन यूनिट है इसके अंदर, जिसमें ये मोटर है। मेन यूनिट के जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग नॉब, जिससे कि हम इसको प्रेस करते हैं तो ये चॉपर चलता है। ये जो है बहुत ही हाई क्वालिटी प्लास्टिक में बना हुआ है, ABS प्लास्टिक के अंदर। ये मोटर, इसके अंदर मोटर इनबिल्ट है, ये थोड़ा सा हैवी है प्रोडक्ट। इसी के अंदर मेन ये मोटर है, और इसके अंदर ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, यही स्पिनिंग के लिए यूज होता है, जो कि हम ब्लेड के साथ लगाते हैं तो यही रोटेट होता है। दिस इज कॉल्ड ड्राइव स्पिंडल। उसके बाद ये इसकी पावर कॉर्ड है, पावर कॉर्ड भी बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर है। इसका प्लग है, नॉर्मल प्लग है, कोई पावर प्लग आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको किसी भी उसके अंदर यूज कर सकते हो, नॉर्मली लाइट वाले में। एंड उसके अलावा जो ये है, दिस इज कॉल्ड बाउल्ड कवर, ये भी बहुत अच्छे प्लास्टिक के अंदर है, ABS प्लास्टिक के अंदर। एंड अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा जो मेन बाउल है जिसके अंदर हम लोग चॉपिंग करेंगे, ये जो है पॉलीकार्बोनेट के अंदर बना हुआ है, ये भी बहुत ही अच्छा फाइन प्लास्टिक है। और इसका जो ये ब्लेड्स हैं, जो ये दो ब्लेड्स हैं, ये दोनों ब्लेड्स ही प्योर स्टेनलेस स्टील के हैं, तो इसके अंदर कभी जंग नहीं लगेगा। कहीं आपको लगे हम पानी का काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये कभी खराब नहीं होंगे। तो देखिए, ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर, ये जो अंदर राउंड सा बना हुआ है स्टैंडिंग सा, हमको ये सबसे पहला जो लोअर ब्लेड है, ये सबसे लेंथी वाला जो ब्लेड है, दिस इज दी लोअर ब्लेड, हम लोगों को इसको इसके अंदर ऐसे लगाना है। ये इसके अंदर फिक्स हो गया। अगर आप लोगों को एक नॉर्मल चॉपिंग चाहिए तो आप इसी नॉर्मल ब्लेड से कर सकते हो, बट अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फाइन चॉपिंग चाहिए, दिस इज़ फॉर कोर्स चॉपिंग,
इसे कोर्स चॉपिंग बोलते हैं, जो कि नॉर्मल चॉपिंग होती है, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा फाइन चॉपिंग चाहिए, फाइन चॉपिंग के लिए दिस इज द डबल ब्लेड, जिसका ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ये इसी के ऊपर लगेगा, ये फिक्स हो जाएगा, तो इसके अंदर ये फाइन चॉपिंग करके देगा आपको, इसको लगा के इसको ही ऐसे करके बस आपको बंद कर देना है और उसके बाद इस प्रोडक्ट को लगाना है। अब मैं इस प्रोडक्ट को आपको एक बार यूज़ भी करके दिखाऊंगी कि इसके अंदर ये प्रोडक्ट वर्क कैसे करता है, इसकी साउंड कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने इसको पावर कनेक्शन दे दिया है। अब मैं सबसे पहले आपको ये नॉर्मल ब्लेड लगाऊंगी, जो कि लोअर ब्लेड कहते हैं इसको, लोअर ब्लेड लगा के मैं सबसे पहले आपको सिर्फ एक टमेटो लूंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैं यहाँ पर 2 टमेटोज लेकर आई हूँ, सो दैट मैं आपको एक लोअर ब्लेड से करके दिखाऊं, एक ट्विन ब्लेड से करके दिखाऊं, आपको पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले लोअर ब्लेड से शुरू करते हैं। इसके अंदर टमेटोज को हम 2 पीसेज में भी कट कर सकते हैं या 4 पीसेज में भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपको जैसे अच्छा लगे। मैंने इसके अंदर एक टमेटो डाल दिया है। अब मैं इसको सिर्फ और सिर्फ लोअर ब्लेड से स्टार्ट कर रही हूँ। इसको मैंने लिड को कवर किया है, अब ये बंद हो चुका है, इसका कोई लॉक नहीं होता है, ये ऑलरेडी वैसे ही सेफ है, ये कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद जो इसका ये मेन इलेक्ट्रिक यूनिट है, इसको हम लेंगे और इसको अब हम ऐसे चलाएंगे। दिस इज द पावर बटन जो मैंने आपको बताया था, जिससे कि ये चलेगा, तो इसको बस प्रेस करना है एंड देखते हैं कितना ज्यादा वो काम करता है। सो मैंने ये ओनली 5 सेकंड्स चलाया है एंड 5 सेकंड्स के अंदर आप देख सकते हो कि ये बहुत ही अच्छा इसने चॉप कर दिया है, टमेटो प्यूरी बना दी है, जिसके अंदर कुछ कुछ पीसेस बचे हैं। इसका रीज़न एक ये भी है, जस्ट बिकॉज मैंने एक ही टमेटो लिया था, हमें चॉपर के अंदर थोड़ा सा क्वांटिटी भी लेनी होती है कि ताकि हम अच्छे से चॉप कर सकें। बट ये था सिंगल ब्लेड के साथ। अब हम करने वाले हैं ये दूसरे ब्लेड के साथ। दूसरा टमेटो लेंगे और दूसरे टमेटो को भी हम ऐसे ही 4 पीसेस करेंगे। फोर पीसेस करके इसका जो दूसरा ब्लेड है, जो कि अपर ब्लेड कहते हैं जिसको, अब हम ये लगाएंगे एंड अपर ब्लेड के साथ अब हम देखते हैं इसकी फाइन चॉपिंग कैसे होती है। तो देखते हैं, इसको भी मैंने 10 सेकंड्स चलाया है, अब इसका क्या रिजल्ट आता है। आप इसको 5-10 सेकंड्स या अकॉर्डिंगली चला सकते हैं 15 सेकंड्स, जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो। वाओ, ये इतनी अच्छी प्यूरी बना चुका है। अब मैं आपको इसको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। ये हमारे ब्लेड्स हैं, हम इन ब्लेड्स को साइड पे कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्यूरी है वो बहुत ही फाइन हुई है। मैं ये तो नहीं कहूंगी ये मिक्सी वाली है, बिकॉज ये चॉपर है, तो चॉपर तो चॉपिंग का ही काम करेगा, मिक्सी वाला काम नहीं करेगा, बट ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू मिक्सर ग्राइंडर वाला इसने काम किया है, काफी हद तक उस तक मैच कर दिया है, बहुत अच्छा। अब आपको रेगुलरली कोई मिक्सी निकालने की जरूरत नहीं है प्रॉपरली हर चीज के लिए, कोई सब्जी बनानी हो या कुछ करना हो, आप इसको चॉपर से भी कर सकते हैं एंड ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब इस आपको प्राइस बता देती हूँ, सबसे पहले मैं इसको साइड कर देती हूँ। तो इस मिनी चॉपर की जो MRP है वो है 2695। इसका बेस्ट प्राइस जानने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसे ऑर्डर करने के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। विद इन 2 आवर्स हम दिल्ली NCR में डिलीवर करवा देंगे, और अगर आप दिल्ली NCR से बाहर हैं तो हम लोग मैक्सिमम 4-5 डेज में आपको ये डिलीवर करवा देंगे। इसका बेस्ट प्राइस जानने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको फ़ोन पे इसका बेस्ट प्राइस बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सो दैट हमारी लेटेस्ट अपडेट्स और न्यू डील्स आपसे मिस ना हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवस के नाम से और मेरा पर्सनल हैंडल है रिदिमा ग्रोवर ऑफिशियल के नाम से। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।